क्चर नंबर ईयर फ्लू डिक्स ठीक है फ्लू डाय स्टडी अबाउट फ्लू के तीन सब ब्रांच हैं हाइड्रोडामिक्स दी लिक्विड इन मोशन एंड देयर प्रॉपर्टीज हाइड्रोस्टिटिक्स द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज एयरामिक्स द स्टडी ऑफ गीस इन मोशन एंड देयर प्रॉपर्टीज इसको हम कहते हैं ठीक है हाइड्रोडिक्स में लिक्विड इन मोशन या अगर एक बॉडी लिक्विड में मोशन कर करे उसको भी हम हाइड्रोडिक्स में पढ़ते हैं जिस तरह बोट्स होते हैं वो पानी में तैरते ठीक है या आपके पास जो फिशेस है फिश है वो भी फ्लुड लिक्विड में जो है मोशन करते हैं उसको भी हम में पढ़ते हैं हाइड्रो हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम जितनी भी वो गाड़ियों के हो या यावी मशीनरी के हो हाइड्रोलिक में स्टडी किए जाते हैं एरोडायनिक्स द स्टडी ऑफ गेस इज इन मोशन एंड देयर प्रॉपर्टीज ठीक है और जहाजों का जो मोशन होता है वो भी हम एरोनामिक्स में पढ़ते हैं बर्ड्स फ्लाइंग वो भी aerodynamics में पढ़ते हैं एरोसिटी आपके फ्लूड आपके पास क्या होता है फ्लूड विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो हर वो मटीरियल विच हैज एबिलिटी टू फ्लो उसको हम फ्लिड्स कहते हैं फ्लो इफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव नोन एज फ्लो अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोशन कर जाए इस मोशन को बेसिकली हम फ्लो कहते हैं लेयर द पाथ ऑन दि फ्लू पार्टिकल्स मूव ठीक है layer, वो पाथ जिस पे फ्लू पार्टिकल्स मोशन कर जाए उसको बेसिकली हम लेयर कहते हैं ठीक है विस्कासिटी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लू टू विच इट रेजिस्ट फ्लो किसी भी फ्लूड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने फ्लो को अपोज करता है कॉफिशेंट ऑफ विस्कासिटी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्का िकल वैल्यू ऑफ विस्कासिटी इज नोन इज कॉफिशेंट ऑफ विस्कासिटी ठीक है तो ये आपके पास जो है फ्लिड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ठीक है अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे कंप्रेसिबिलिटी 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 आपके पास जो है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेड द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लिड

दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ठीक है आप गैसेज को देखिए ये आपके पास एक कंटेनर है ठीक है यहां पर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं ठीक है तो ये आपके पास वॉल्यूम डिक्रीजेज तो डेंसिटी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा गेसेज आपके पास जो है दिस इज हाईली कंप्रेसिबल और लिक्विड्स आपके पास जो है ये आपके पास स्लाइटली कंप्रेसिबल होते थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन हम लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं ठीक है तो ये आपके पास जो है कंप्रेसिबिलिटी तो जिसकी हम डेंसिटी चेंज कर सके विद फोर्स और प्रेशर को हम कंप्रेसिबल फ्लूड कहेंगे और जिसकी डेंसिटी हम चेंज ना कर सके उसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूड कहेंगे फ्लूडिटी फ्लूडिटी आपके पास जो है

आपके पास कम है तो फ्लोरिड ज्यादा होगा और यह भी बात याद रखे गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर गैसेज का विस्कासिटी का मतलब होता है द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सो द कोलिजन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विस्कॉसिटी इनक्रीजेज ठीक है so increases, increases. और लिक्विड की जो विस्कासटी है सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते विस्कासिटी कम होता है टेम्परेचर आप कम करते हैं विस्कासिटी बढ़ता है ठीक है तो फ्लूडिटी इज द रिसल ऑफ अस्कासिटी या फ्लूडिटी को आप फ्लो रेट भी कह सकते हैं फ्लूडिटी को आप फ्लो रेट भी कह सकते हैं ठीक है इसका डिफिनेशन आपके पास है द क्वांटिटी ऑफ फुइड फ्लो पर यूनिट टाइम द क्वांटिटी ऑफ फुड फ्लो पर यूनिट टाइम इज नून इज फ्लो रेट आपके पास है मास फ्लो रेट मास फ्लो फ्लो रेट मास रेट को मैं एफ एम लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा टी ठीक है मास फ्लो रेट और दूसरा आपके पास क्या होता है वॉल्यूम फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी मास फ्लो पर यूनिट टाइम इज द मास फ्लोरेट वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम इज नो नॉल्यूम फ्लोरेड और फ्लोरेट को आप फ्लोडिटी भी कह सकते हैं <coughs> ठीक है याद रख के हनी शहद उसका विस्काशी ज्यादा है उसका फ्लोरेट कम है वाटर का विस्कासटी कम है उसका फ्लोरेट ज्यादा है ठीक है तो आप फ्लो रेट जो है वो विस्कासटी के साथ रिलेट कर सकते हैं बाईजिंग दो इक्वेशन वॉल्यूम फ्लोरेट एंड मास फ्लो रेट ठीक है अगर एक फ्लूड का वन किलोग्राम मास एक सेकंड में फ्लो करेगी इसका वन किलोग्राम पर सेकंड मास होगा और अगर वन मीटर क्यूब वॉल्यूम एक सेकंड में फ्लो कर गया तो ये आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट आपके पास होगा ठीक है तो ये आपके पास फ्लो रेट में <चकीव> अच्छा टाइप्स ऑफ फ्लो टाइप्स ऑफ फ्लो फ्लो के आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, ठीक है फ्लो के आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट स्ट्रीम लाइन बल्कि मैं स्टार्ट करता हूं आइडियल uh, फ्लो से आइडियल फ्लो ठीक है आइडियल फ्लो आपके पास जो है पार्टिकल्स ट्रेवल सेम डिस्टेंसेस, सेम डिस्टेंसेस इन अ यूनिट टाइम ठीक है ये आपके पास आइडियल फ्लूड का फ्लो है ठीक है ये आपके पास आइडियल फ्लिड का फ्लो है इफ द पार्टिकल्स ट्रेवल सेम डिस्टेंसेस इन यूनिट टाइम या इन सेम टाइम या द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूड इज नून इज आइडियल फ्लो ठीक है रियल फ्लो रियल फ्लो आपके पास जो है पार्टिकल्स ट्रेवल different distances, ठीक है पार्टिकल ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इसको फिर हम कहते हैं रियल फ्लो ये आपके पास रियल फ्लो सही है अगर आप पानी को देख ले तो सेंटर में जो पानी होता है अगर नहर में पानी को देख ले तो सेंटर में जो पानी होते है वो तीस फ्लो करता है और साइड्स पे आपके पास हो वो स्लो फ्लो करता है ठीक है फ्लो so, को बेसिकली हम कहते हैं रियल फ्लो फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो ठीक है स्ट्रीमलाइन या लेलो फ्लो, स्ट्रीमलाइन और फ्लो पार्टिकल्स मूव ऑन पैरल पार्ट्स ठीक है अगर पार्टिकल्स पैरल पाथ्स पे फ्लो कर जाए सो दैट नो पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर कैन ओवरलेप एक दूसरे लेयर्स को जो है वो पार्टिकल्स ओवरलीप ना करें ठीक है तो इसको बेसिकली हम कहते हैं लेमिनर आर स्ट्रीम लाइन फ्लो इसको हम कहते हैं अब देखिए आइडियल फ्लो भी है और स्ट्रीम लाइन भी है या लेमिनर भी है ये रियल फ्लो भी है और स्ट्रीम लाइन या लेमिनर भी है ठीक है क्योंकि पार्टिकल्स पर पे, पे जाते हैं अच्छा फूर आपके पास जो है टर्बुलेंट टर्बुलेंट फ्लो पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट लेयर ओवरलेप पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट लेयर ओवरलेप या इरेगुलर फ्लो ऑफ पार्टिकल्स या कॉटिक फ्लो ऑफ पार्टिकल्स उसको बेसिकली हम टर्बुलेंट फ्लो के आते हैं देखिए लिमिनल फ्लो है और रियल फ्लो भी है अगर रास्ते में कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो यहां पर आप पानी को देखिए वो मिक्सअप हो जाते हैं ठीक है तो यहां पर फिर फ्लो आपके पास क्या बन जाता है ये टर्बुलेंट बन जाता है ठीक है पार्टिकल्स ओवरलेप हो जाए या रेंडमली पार्टिकल्स मोशन कर जाए फिर फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं ठीक है अच्छा अब हम नॉन विस्कस फ्लो को ले रहे हैं नॉन विस्कस फ्लो इफ नो एनर्जी लॉस्ट इफ नो एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लो अगर फ्लू के दौरान एनर्जी लॉस ना हो तो फ्लू को फिर हम नॉन विस्कस फ्लो कहते हैं ठीक है फ्लू को हम क्या कहते हैं नॉन विस्कस फ्लो कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लो इफ डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लो अगर फ्लू के दौरान डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट हो तो फिर फ्लू आपके पास जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाता है ठीक है स्टेडी फ्लो स्टेडी फ्लो आपके पास होता है इफ ऑल प्रॉपर्टीज इफ ऑल प्रॉपर्टीज आ फ्लेड कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लो मास फ्लोरेट वॉल्यूम फ्लोरेट ठीक है आपके पास जो है वो फ्लो के दौरान कांस्टेंट हो डेंसिटी वगैरह ठीक है तो फिर फ्लो आपके पास जो है, वो स्टेडी फ्लो कहलाता है ठीक है लास्ट वन आपके पास जो है रोटेशनल फ्लो इफ पार्टिकल्स मूव इफ पार्टिकल्स मूव अराउंड सम फिक्सड पॉइंट ठीक है इफ पार्टिकल्स मूव अराउंड सम फिक्स पॉइंट तो फिर फ्लो आपके पास ही रोटेशनल फ्लो कहलाता है आप पानी में देखे अक्सर पानी जो एक पॉइंट कहते रोटेशन करता है जिसको हम बवर कहते हैं बॉवर ठीक है साइक्लॉन में देखे पार्टिकल्स मूव अबाउट सम फिक्स पॉइंट ठीक है इस तरह आप जूसर में जूस को देखें आप वॉशिंग मशीन में पानी को देख लीजिए वो फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशनल मोशन करते हैं सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो जो कि टॉपिक्स में यूज हुआ है इसलिए मैंने इसको अलग अलग जो है वो डिस्कस कर लिए अच्छा अब इसकी बात हम पढ़ेंगे विस्कस ड्रे फोर्स विस्कस ड्रे फोर्स विस्कस ड्रेक फोर्स आपके पास वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करे ठीक है विस्कस ड्रेक फोर्स आपके पास फ्लिड का फोर्स है वो फोर्स जो किसी भी बॉडी के मोशन को क्या करे अपोज करे उसको हम विस्कस ड्रेक फोर्स कहते हैं पानी में किश्ती जा रहे तो किश्ती के मोशन को वाटर का ड्रेक ड्रेक फोर्स है वो अपोज कहते हैं उसको हम विस्क्रेगा फोर्स कहते हैं ठीक है ठीके? मैं यहां पर इसके साथ लिख लूंगा अपोज मोशन ऑफ बॉडी मूविंग इन अ फ्लेड है ना फ्लेट इसको विस्कस ड्रेक फोर्स कहते हैं फोर्स को सबसे पहले स्टोक्स ने ला दिया जिसके जरिए से आप ड्रेक फोर्स को मालूम कर सकते हैं ठीक है लेकिन स्टोक्स ला के आपके पास लिमिटेशन है इसके लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन आपके पास क्या है ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स स्टोक्स स्टोक्सला इज ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड मोशन विद अ स्मॉल स्पीड ठीक है स्टोक्स स्टोक्सला जो है वो आप सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और स्मॉल स्पीड से मोशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हाई स्पीड के लिए और किसी और ज्योमेट्रिकल शेप के लिए आप स्टोक्स ला को इस्तेमाल नहीं कर सकते है। ठीक है इसने क्या कहा स्टोक्स ने ड्रेक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस्कासिटी विस्कासिटी ज्यादा है वो ज्यादा ड्रेक फोर्स ऑफर करेगा ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रेक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज रेडियस साइज ज्यादा हो ड्रेक फोर्स ज्यादा होगा साइज कम हो ड्रेक फोर्स कम होगा ठीक है ये बात आप लोग याद रखें तो विस्कासिटी और साइज क्यों अगर आप साइज को बढ़ा लें तो वो ज्यादा फ्लूड को डिस्प्लेस करेगा और अगर ज्यादा फ्लूड को डिस्प्लेस करेगा तो ज्यादा फ्लूड उस बॉडी पे फोर्स लगाएगा उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा ज्यादा ठीक है ड्रेक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो वी दिस इज फॉर स्मॉल स्पीड ये स्मॉल स्पीड के लिए आपके पास है अगर हाई स्पीड के लिए हो ठीक है अगर हाई स्पीड के लिए हो तो फिर ड्रिक फोर्स आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एवेलास्टी अब आपके जेहन में ये बात आएगा कि स्मॉल स्पीड तो कितना स्मॉल स्पीड तो याद रखिए अगर आप किसी बॉडी को किसी विस्कस स्पीड में फॉल कह रहे हैं स्मॉल स्पीड कहलाता है और ट्रेन का मोशन एरोप्लेन का मोशन कार का मोशन बस का मोशन ये हाई स्पीड में आता है अगर मैं कह दू कि ट्रेन का स्पीड डबल हो जाए या बुलेट ट्रेन का स्पीड डबल हो जाए तो ड्रिक फोर्स आपके पास फोर टाइम्स बन जाएगा ठीक है तो ये हाई स्पीड में आपके पास आता है लेकिन अगर मैं किसी विस्क स्पीड में किसी बॉडी को फॉल कर रहा हूं अगर उसका विलासी आपके पास डबल हो जाए तो ड्रेक फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा तो ड्रेक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी फॉर स्मॉल स्पीड विस्कासिटी पे डिपेंड करता है साइज पे डिपेंड करता है और विलासी पे डिपेंड करता है याद रखिए स्ट्रोक्स ने जो है डेंसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंट लिया था फॉर एग्जांपल आप आयरन ले रहे हैं तो आप आयरन के डिफरेंट साइज वाले बॉल्स ले रहे हैं ठीक है अच्छा अब ड्रेक फोर्स में इन तमाम पैरामीटर्स को अगर मिला लो तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो द प्रोडक्ट ऑफ विस्कासिटी साइज एंड या आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 6 पाई आर वी अगर आपके पास वेलोसिटी हो रेडियस हो और विस्कासिटी हो तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप ड्रेक फोर्स को मालूम कर सकते हैं ठीक है सो ड्रेक फोर्स इज इक्वल टू सिक्स ईटा आर वी ये आपके पास स्टोक्स ला से इक्वेशन आपके पास आ गया ठीक है अब इसका मतलब आपके पास ये है कि ड्रेक फोर्स इज अ अवेस्ट डिपेंडेंट फोर्स और याद रखिए डिपेंडेंट फोर्स की वजह से जरूर एनर्जी लॉस होता है और वो एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होता है वो हीट फॉर्म में होता है थर्मल एनर्जी फॉर्म में होता है ठीक है तो वेलास्ट डिपेंडेंट फोर्स आपके पास जो है अगर मैं साइज को भी कांस्टेंट लू विस्का भी कांस्टेंट तो फिर एफ डी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं के वी इज द अच्छा इक्वेशन से तो आपको पता चल रहा है पे डिपेंड ड्रेक फोर्स साइज पे वेलासटी पे वो दो चीजें जो कि आपको इस इक्वेशन से पता नहीं चल रहा ड्रेक फोर्स डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल शेप पे भी और ओरिएंटेशन पे भी ओरिएंटेशन का मतलब आपके पास क्या होता है आप ये देखें अगर मैं इसको इस तरह फॉल कर रहा हूं या इस तरह फॉल कर रहा हूं तो दोनों कंडीशन में आपके पास ड्रेक फोर्स डिफरेंट होगा ड्रेक फोर्स आपके पास क्या होगा डिफरेंट होगा अगर आप इसको इस तरह फॉल करें तो एरिया ज्यादा है ज्यादा ड्रेक फोर्स पे होगा अगर आप इसको इस तरह फॉल करें तो ड्रेक फोर्स आपके पास क्या होगा कम होगा ठीक है ये याद रखें तो ओरिएंटेशन पे भी ड्रेक फोर्स डिपेंड करते यहां पर मैं लिख लेता हूं एफ डी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ठीक है ये ये भी आपके पास डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल शेप पे ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है एंड ओरिएंटेशन पे ठीक है ओरिएंटेशन पे और ज्योमेट्रिकल शेप पे भी डिपेंड करता है ये देखिए मैं ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूं ये ओरिएंटेशन कहलाता है और ज्योमेट्रिकल शेप स्फेरिकल आपके पास स्फेरिकल शेप है आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है तो शेप पे भी डिपेंड करता है ठीक है तो ये ड्रेक फोर्स आपके पास जो है ज्योमेट्रिकल शेप पे और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है अगर साइकिल वाला जो है रेस वाला आप देखिए तो वो अबलोंग शेप का केप पहनते हैं या बाइक रेस वाला अबलोंग अब शेप का केप पहनता है और वो बिल्कुल अपने आप को इस तरह जो है वो रखता है ताकि उसका एरिया जितना कम होगा तो वो जो इफिट करे उस इफिट के मुताबिक से वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है ठीक है तो ड्रेक फोर्स आपके पास जो है वो जोमेट्रिकल शेप और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है ठीक है तो ये आपके पास जो है ड्रेक फोर्स में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास आ गया ठीक है अब यहां पर हम ले रहे टर्मिनल वेलासिटी टर्मिनल वेलासिटी टर्मिनल वेलासिटी आपके पास जो है दिस इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलासिटी ठीक है द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलासिटी अटेन बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अस विस्कस स्फ्लेर ठीक है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कॉन्सेंट बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस फ्लूइड नोन टर्मिनल वेलोसिटी वी मैक्सिमम इसको बेसिकली हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं ठीक है टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जो है देखिए मैं अगर यहां पर डायग्राम से थोड़ा सा आपको शो करूं लेट सपोज ये आपके पास कोई फ्लूइड है और इसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्योंकि आपके बुक में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन है इसलिए मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को सिर्फ ले रहा हूं ठीक इस पे ड्रेक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट आपके पास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ड्रेक फोर्स आपके पास अपवर्ड और वेट आपके पास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है तो एक बात ये याद रखे इफ ड्रेक फोर्स इज नॉट इक्वल टू द वेट अगर ड्रेक फोर्स वेट से कम हो तो फिर जो नेट फोर्स होगा इस बॉडी पे वो आपके पास वेट माइनस ड्रेक फोर्स के बराबर होगा ठीक है एम ए दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस सिक्स पाई ईटा आर वी मास को अगर आप डिवाइड करें दोनों साइड पे तो सिक्स पाई ईटा आर वी डिवाइड बाय और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू जी माइनस एफ डी डिवाइड बाय एम ठीक है और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं जी माइनस एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिस बाय द ड्रेक फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द ड्रेक फोर्स एफ डिवाइड करता है तो याद रखे आपके पास जब ड्रेक फोर्स वेट के बराबर ना हो ठीक है इफ ड्रेक फोर्स इज नॉट इक्वल टू द वेट तो फिर वेलासिटी आपके पास जो है वो इंक्रीजिंग होगा और वेलासिटी टर्मिनल वेलासिटी से क्या होगा

वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा इफ ड्रेक फोर्स इज इक्वल टू द वेट आप लोगों ने पढ़ा है कि ड्रेक फोर्स आपके पास जो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दिलास ड्रेक फोर्स आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलासिटी तो देखिए अगर एक बॉडी फॉल करे तो फॉल होने के दौरान वेलासिटी विल बी इंक्रीजिंग वेलासिटी आपके पास क्या होगा इंक्रीज होगा और अगर वेलासिटी इंक्रीज होगा तो ड्रेक फोर्स आपके पास इंक्रीज होगा वेलासिटी इंक्रीज ड्रेक फोर्स विल भी फोर्स वेट के बराबर हो जाए विच इज द मैक्सिमम फोर्स ये आपके पास मैक्सिमम ड्रेक फोर्स है तो वेलासिटी आपके पास जो है ये मैक्सिमम कांस्टेंट बन जाएगा और इसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलासिटी को हम क्या कहते हैं टर्मिनल वेलासिटी कहते हैं तो किसी भी बॉडी को अगर आप किसी विस्कस फ्लू में फाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम फोर्स वेट के बराबर होता है ठीक है फोर्स आपके पास जो है वो वेट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है और वेलास्टी आपके पास जो है वो टर्मिनल वेलास्टी से ज्यादा नहीं हो सकता यहां पर हमने लिखा है कि बाय नेग्लेक्टिंग बयानसी फोर्स यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय नेग्लेक्टिंग बयानसी फोर्स ठीक है ड्रेक फोर्स वेट से आपके पास ज्यादा नहीं हो सकता ड्रेक फोर्स वेट से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है और विलासी टर्मिनल विलासी से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है बियॉन्सी फोर्स क्या होता है अगर आपके जेहन में वॉट इज बियॉन्सी फोर्स तो याद रखें अगर आप किसी चीज को किसी फ्लिड में रख लें तो रियल वेट और अपरिंट वेट का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली बियॉन्सी फोर्स कहलाता है रियल वेट और अपरिंट वेट का जो डिफरेंस होता है वो बियॉन्सी फोर्स कहलाता है तो अगर हम सी फोर्स को नेग्लेक्ट करें तो फिर ड्रेक फोर्स वेट के बराबर होते इज द मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम वे टर्मिनल वेलास्टी के बराबर होता है फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूं एक बॉडी को मैं किसी विस्कस विस्किस में फॉल कर रहा हूं जिसका वेट टेन न्यूटन है वट बी द मैक्सिमम ड्रेक फोर्स ऑन दैट फॉलिंग बॉडी तो टेन न्यूटन अगर मैं एक बॉडी को विस्कस फ्लू में फॉल कर रहा हूं एंड द मैक्सिमम ड्रेक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फॉलिंग ऑब्जेक्ट टूटल वॉट विज द वेट ऑफ दॉडी तो ट्वेल्व न्यूटल होता है ठीक है तो जब बॉडी को आप छोड़ रहे वेलासिटी इनक्रीज ड्रेक इंक्रीज मीन मोशन होगा और ड्रेक फोर्स वेट से कम होगा से कम होगा लेकिन जब ड्रेक फोर्स वेट के बराबर हो जाए तो फिर वेलास्टी मैक्सिमम कांस्टेंट बन जाते हैं और उसी मैक्सिमम कांसेंट वेलास्टी को हम क्या कहते हैं टर्मिनल वेलास्टी कहते हैं ठीक है अब टर्मिनल वेलास्टी का इक्वेशन आपके पास है सिक्स ईटा आर या इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू डिवाइड बाय सिक्स ईटा आर ये आपके पास टर्मिनल वेलास्टी का इक्वेशन है ठीक है और यहां से आप क्लियर कट देख सकते हैं के टर्मिनल वेलास्टी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वेलास्टी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है और जी के भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्मिनल वेलास्टी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कासिटी ऑफ अ फ्लेड ठीक है टर्मिनल वेलास्टिटी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दसिटी ऑफ अ फ्लेड फ्लीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो देखिए, अगर मैं आपको कह दूँ कि वेट टर्मिनल वेलासिटी जो है मैं अगर मास को डबल कर जाऊँ, टर्मिनल भी डबल अगर दो सेम बॉडीज में दो फ्लीड्स में डिफरेंट फ्लीड्स में फॉल कह रहा हूं एक में टर्मिनल वेलासिटी कम है दूसरे में टर्मिनल वास्टी ज्यादा है तो वट कैन वी कंक्लूड अबाउट द फ्लीड्स तो जिसमें टर्मिनल विलासिटी कम होगा इसका मतलब उसका विस्कासटी ज्यादा होगा और जिसमें टर्मिनल वी ज्यादा है इसका मतलब उसका विस्कासटी कम होगा ठीक तो है तो के बारे में हम ये कहते हैं ये आर के लिए आपके पास फाइनल इक्वेशन नहीं है ठीक है टर्मिनल विलासिटी का फाइनल इक्वेशन फॉर डेंसिटी एंड साइज रो आर जी डिवाइड बाय ईटा सही है और यहां से मैं लिख सकता हूं

बाकी तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास डबल हो जाएगा अब अगर <Spike Viral> आप थोड़ा सा क्वेश्चन सुने अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक, दू एक हेवियर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है एक हेवियर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है सेम फ्लेड में सेम हाइट से सेम टाइम में मैं छोड़ रहा हूं तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले कौन गेन करेगा ठीक <soundsSOUND>? <mochi> है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक हेवियर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है

तो जो लाइटर होगा लाइटर वेट कम टर्मिनल टर्मिनलिटी कम तो लाइटर ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलास्टी पहले गेन करेगा और हेवियर ऑब्जेक्ट जमीन तक पहले पहुंचेगा क्यों का टर्मिनल वेलास्टी ज्यादा होगा तो वो निकल जाएगा आगे वो जमीन तक पहले पहुंचेगा और लाइटर आपके पास जो है वो टर्मिनल वेलासिटी जो है वो पहले गेन करेगा एक वन ग्राम वाला बाल है आयरन बाल और दूसरा फोर ग्राम वाला आयरन बॉल है ठीक है दोनों का आपके पास जो है एक हैवियर और एक लाइटर है एक फोर ग्राम का और एक वन ग्राम का है मैं सेम फ्लेड में सेम टाइम में सेम हाइट से मैं छोड़ रहा हूं तो टर्मिनल वालास्टी पहले कौन गेन करेगा वन ग्राम ठीक है जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा फोर ग्राम क्योंकि उसका विलास्टी टर्मिनल लास्टी ज्यादा होगा ठीक है अगर मैं इस तरह लिख लो कि एक आयरन बॉल है और एक वुड बॉल है एक आयरन बॉल है और एक वुड बॉल है आप सेम साइज आप सेम साइज ठीक है साइज आपके पास सेम है सेम साइज एक वुड बॉल है फॉर वुड आई फॉर आयरन ठीक है और एक आयरन बॉल है सेम साइज का मैं सेम फ्लेड में सेम हाइट से सेम टाइम में फॉल कर रहा हूं तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले कौन गेन करेगा वुड वाला बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को पहले गेन करेगा जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा आयरन क्योंकि साइज तो सेम है डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर इसलिए आयरन का डेंसिटी ज्यादा है उसका टर्मिनल इलासिटी ज्यादा होगा तो वो जमीन तक पहले पहुंचेगा लेकिन वुड का डेंसिटी कम है उसका टर्मिनल इलासिटी कम होगा वह टर्मिनल इलासिटी पहले गेन करेगा ठीक है तो यह आपके पास इस किस्म के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं अगर मैं आपको ये कह दूफ आर स्क इज डबल ठीक है मैं अगर एक एम सी क्यू बना लो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू तो वी आ फॉलिंग बॉडी आ फॉलिंग बॉडी इन विस फ्लूइड हैविंग टू स्क्वेर सेंटीमीटर या टू स्क्वेयर इंच Take a fluid having 2 square inch. disagree a falling body in viscous fluid having 2 square inch. What will be, what will be terminal velocity? Take a, what will be the terminal velocity in same fluid of another body, of another body ऑफ फोर स्क्वेयर इंच ठीक है फोर स्क्वेयर इंच आपके पास आ जाएगा फोर वी बी ऑप्शन टू वी सी ऑप्शन आपके पास सिक्सटीन वी और डी ऑप्शन आपके पास वी तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है स्क्वेयर इंच यहां पर मैंने लिखा है स्क्वेयर इंच और टू ये फोर फोर इज डबल ऑफ टू तो इसका मतलब आपके पास ये है कि आर स्क्वेयर इज अ डबल आर स्क्वेयर आपके पास क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा इफ आर स्क्र इज डबल अगर आर स्क्वेयर आपके पास डबल हो जाए देन द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी डबल और अगर आर स्क्वेयर आपके पास हाफ हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा हाफ तो इस पे आपने थोड़ा सा एहतियात करना होगा इफ द ऑफ अ रेडियस इज डबल टर्मिनल वेलोसिटी विल बी डबल लेकिन अगर मैं कह दूं आर इज डबल

जहाँ पर पावर हो वहां पर आपने एहतियात करना होगा ठीक है पैराट्रूपर है अगर वो जंप लगाते जहाज से तो वो टर्मिनल वालास विदाउट पैराशूट गेन करता है फिर जब वो पैराशूट को खोलता है और फिर टर्मिनल वालास्टी गेन करते हैं तो वो टर्मिनल विलासटी आपके पास जो होगा पैराशूट के साथ वह विदाउट पैराशूट से कम होगा ठीक है और पैराशूट के साथ जो टर्मिनल विलासटी होगा ठीक है उससे वो पैराट्रूपर सेफली जमीन पे पहुंच सकता है जमीन पे पहुंच सकता है याद रखे लाइट और ऑब्जेक्ट जितनी भी होते हैं वो बहुत ही टर्मिनल को, कर जाता है। वो को कर जाता है। हर चीज गिरता है ठीक है हर चीज इवन का बारिश का कतरा वो भी टर्मिनलास्टिक से जो है वो फॉल करता है और ड्रेक फोर्स क्या करता है ड्रेक फोर्स फॉलिंग के जो वेलोसिटी होते उसमें इंक्रीज आने को अपोज करता है इंक्रीज होने को अपोज करता है ठीक है ये बात आप लोग याद रखिए अच्छा अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन आपके पास जो है दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लोरेट दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लोरेट ठीक है और कंटिन्यूटी इक्वेशन में याद रखे फ्लूड आपके पास जो है इट मस्ट बी इनकम्प्रेसेबल याद रखे मास फ्लोरेट या वॉल्यूम फ्लोरेड तब कंजर्व होगा ठीक है अगर फ्लूड आपके पास इनकंप्रेसिबल हो अगर फ्लूड कंप्रेसिबल हो तो फिर मास फ्लोरेट और वॉल्यूम फ्लोरेड आपके पास कंप्रेसिबल नहीं होगा और फ्लू आपके पास जो है वो आपके पास स्टेडी होना चाहिए ठीक है अगर फ्लूड अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह किया जाए कि पाइप के एक पार्ट में जितना फ्लूड फ्लो करता है दूसरे पार्ट में भी उतने फ्लूड फ्लो करता है फ्लो रेट इज देन द फ्लूड फ्लूड विल विल बी तो बी देबल अगर फ्लूड कंप्रेसिबल हो तो फिर फ्लो रेट कभी भी कंजर्व नहीं होगा एक पार्ट ऑफ पाइप में जितना मास फ्लो करेगा दूसरे पार्ट में उतना मास फ्लो नहीं करेगा ठीक है तो ये बात याद रखिए अच्छा अब कंटिन्यूट इक्वेशन आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पाइप है ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपके पास पाइप है ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर आपके पास एरिया ए वन वास्ट टी वी वन यहां पर आपके पास एरिया ए टू वै लास्ट टी वी टू ठीक है यहां पर मास फ्लोरेड डेल्टा एम वन डिवाइड बाई डेल्टा टी यहाँ पर मास फ्लो रेट डेल्टा एम यहाँ पर मास फ्लो फ्लोरेडा एम टू बाय डेल्टा टी ठीक है यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट डेल्टा वी वन डिवाइड बाई डेल्टा टी यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट डेल्टा वी टू डि डेल्टा टी यहां पर आपके पास डिस्टेंस मूव जो है वो डेल्टा एक्स वन ठीक है यहां पर आपके पास जो डिस्टेंस मूवड है ये आपके पास डेल्टा एक्स टू delta x1 is the distance moved by the fluid in first part of the pipe and delta x2 aapke paas jo hai this is the distance move or the displacement move by the fluid in second part of the pipe theek hai flow is a steady to ek baat yaad rakhiye mass flow rate will be conserved इस पार्ट में जितना mass flow करेगा इस पार्ट में भी उतना ही mass flow करेगा या से मैं लिख सकता हूं कि मास फ्लो रेट विल बी कंजर्व ठीक है अच्छा जितना वॉल्यूम डेल्टा वी वन डिवाइड बाई डेल्टा ठीक एक पार्ट में फ्लो करता है उतना वॉल्यूम दूसरे पार्ट में भी फ्लो करेगा वॉल्यूम फ्लो रेट तो विल बी आल्सो कंजर्व जितना वॉल्यूम फ्लूड का तो यहां पर फ्लो करेगा उतना वॉल्यूम यहां पर भी फ्लो करेगा जितना मास यहां पर फ्लो करेगा उतना मास यहां पर भी फ्लो करेगा द मास रेट विल बी कंजर्व मास रेट आपके पास है वो कंजर्व होगा ए वन डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू ए टू डेल्टा एक्स टू और यहां से मैं लिख सकता हूं ए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ए इज द एरिया ऑफ ए पाइप डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस मूव बाय द फ्लिड और यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इज proportional प्रोपोर्शनल टू एरिया एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक है यहां से मैं लिख सकता हूं वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी कैपिटल के लिए स्मॉल के लिए प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसेक्शनल एरिया एंड वेलासिटी विल बी इक्वल टू कॉन्सटेंट या वेलासिटी आपके पास जो है दिस विल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया यह एरिया के आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है अच्छा ये एरिया ये आपके पास वेलोसिटी ये एरिया ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट एरिया आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप इज पाई आर स्क्वायर और ये आपके पास पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर होते हैं कैपिटल डी इज अ डायमी स्मॉल आर इज द रेडियस ठीक है diameter, तो मैं यहां पर फिर इसको लिख सकता हूं यह आपके पास बन जाएगा वन इज इक्वल टू आर टू स्क्वेयर वी टू और मैं इसको लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं वी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ विलास्टी And square of a radius of a pipe. This will be always constant. Yeah, ya se me Velocity is inversely proportional to R square. Velocity is uh, inversely proportional to R square. Main, in terms of a diameter d1 square V1 is equal to D2 square V2. Ya sakta saktaw V d square is equal to constant. Yahan se

मास फ्लोरिड विल बी कंजर्ड वॉल्यूम फ्लोरिड विल बी कंजर्ड ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डिस्टेंस मूड बाई द फ्लूड विल बी कॉन्सटेंट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलासिटी ऑफ अ फ्लूड विल भी कॉन्सटेंट एरिया और वेलासिटी का प्रोडक्ट कॉन्सटेंट होगा ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ स्क्र ऑफ रेडियस द प्रोडक्ट ऑफ अ स्क्र ऑफ रेडियस ऑफ अ पाइप And velocity will be equal to constant the product of square of a diameter and velocity will be equal to constant take the product of velocity and square of a radius is equal to constant the product of velocity and square of a diameter is equal to constant take a volume flow rate volume flow rate is equal to the product of area and velocity एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन तो ये सारे आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन के स्टेटमेंट है और ये बता क्या रहे है आप लोगों को देखिए मैं मेन इक्वेशन ये ले रहा हूं वेलास्टी इज इन वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ठीक है डिस्टेंस मूव इज इन वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ठीक है मैं यहां पर लिख सकता हूं वेलास्टी इज इन वर्सली प्रोपोर्शनल

अगर आप नहर में पानी देखें जहां पर ज्यादा एरिया और नहर का पानी स्लो जाता है और जहां पर तंग हो जाता है नहर वहां पर पानी देखिए काफी तेजी से जाता है तो इज इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया आप एरिया को कम करें विल बी इंक्रीजेस रेडियस को आप कम करें विल बी इंक्रीजेस डायमीटर को आप कम करें विल बी इंक्रीजेस डिस्टेंस वेलास इंक्रीज डिस्टेंस मूव बाय द विल बी इंक्रीजेस आप एरिया को कम करें वेलासिटी इंक्रीज होगा डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूड विल बी इंक्रीजेस ठीक है तो वेलास्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया टेप वाटर नलके के पानी को आप देखिए नलके के पानी जब नीचे आता है ठीक है तो आप देखिए इसका एरिया आपके पास जो है वो डिक्रीज होता है यहां पर एरिया ए वन वेलास्टी वी वन एरिया ए टू वेलास्टी वी टू ठीक है तो देखिए आपके पास यहां पर वेलास्टी कम है वी वन लेस देन वी टू तो एरिया ए वन को देखिए दिस इज ग्रेटर देन ए टू लेकिन अगर आप वी वन और ए वन लेंगे और वी टू और ए टू लेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा कांस्टेंट होगा ठीक है तो आप एरिया कम करें वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेज आप रेडियस कम करें वेलोसिटी विल बी इंक्रीज अगर मैं एरिया को हाफ करूं अगर एरिया को मैं हाफ करूं वेलोसिटी विल बी डबल अगर एरिया को मैं डबल कर जाऊं वेलोसिटी विल बी हाफ अगर मैं रेडियस को डबल कर जाऊं रेडियस ऑफ अ पाइप डबल वेलास्ट फोर टाइम डिक्रीजेस अगर रेडियस को मैं हाफ कर जाऊर टाइम इनक्रीजेस लेकिन अगर आर स्कर को डबल कर जाऊ तो वेलास्टी हाफ अगर आर को डबल कर जाऊलास्टी आपके पास फोर टाइम डिक्रीजेस एंड सीम इज द केस फॉर द डायमीटर सीम आपके पास डायमीटर के लिए भी आपके पास जो है वो केस है ठीक है अब मैं यहां पर अगर इक्वेशन कर लो एम सी क्यू द वेलासिटी ऑफ लीड इन थ्री स्क्वेयर इंच थ्री स्क्वेयर इंच पाइप इज वी ठीक है वेलासिटी आपके पास क्या है वी है देन वट विल बी देन वट विल बी द वेलासिटी वट विल बी द velocity of, of a fluid in some other part and some other part of 6 square inch take a what will the velocity of a fluid in some other part of having 6 square inch take a my a option आपके पास फोर वी बी ऑप्शन वी डिवाइड बाय फोर सी ऑप्शन टू वी डी ऑप्शन आपके पास वी डिवाइड बाय टू आंसर आपके पास क्या होगा तो फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर भी आप देखिए तो स्कोयर है स्क्वेयर इंच यहां पर भी आपके पास स्क्वेयर इंच है तो इसका मतलब एरिया की वन है तो एरिया यहां पर क्या है थ्री स्क्वेयर इंच यहां पर क्या है सिक्स स्क्र इंच इसका मतलब एक एरिया डबल अगर एरिया डबल हो जाए तो वेलास्टी आपके पास क्या हो जाएगा हाफ वेलास्टी आपके पास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा वेन दिलास्टी एरिया इज डबल विल बी हाफ तो आपके पास आंसर जो है डिवाइड होगा लेकिन अगर मैं इससे स्क्वेयर इस को हटा दू स्क्वेयर को मैं अगर हटा दू ठीक है थ्री इंच और फिर आपके पास सिक्स इंच तो देखिये थ्री इंच ये रेडियस है सिक्स इंच रेडियस है तो इसका मतलब है रेडियस डबल अगर रेडियस डबल हो जाए तो वेलोसिटी फोर टाइम डिक्रीज फिर सेकंड में आपके पास आंसर जो है वो v होगा अगर आप को काट ले तो फिर आंसर v होगा क्यों फिर रेडियस होगा और रेडियस अगर डबल तो वेलोसिटी विल बी फोर टाइम लेकिन अगर आपके पास एरिया डबल हो जाए तो वेलोसिटी विल बी हाफ ठीक है तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू है इन अ कंटिन्यूटी इक्वेशन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं velocity of a fluid flow in a pipe is 2 centimeter per second where cross-sectional area where cross-sectional area of pipe is where cross-sectional area of pipe is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम विल बी डीज वॉल्यूम फ्लो रीड आपके पास क्या होगा ठीक है मैं ए ऑप्शन लिख रहा हूं ए ऑप्शन में लिख रहा हूं uh, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, बी ऑप्शन आपके पास जो है 36 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड सिक्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और डी ऑप्शन आपके पास थ्री सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड तो कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम रेट आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलास्टी द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड तो एरिया आपके पास सिक्स सेंटीमीटर स्कोर है विलास्टिंग आपके पास टू सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो सिक्स टू जर ट्वेल्व सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिस इज द वॉल्यूम फ्लोरेट तो याद रखे कंटिन्यूट इक्वेशन का स्टेटमेंट भी आपके पास यह कि वॉल्यूम फ्लोरेट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्शनल एरिया एंड वेलास्टी दिस इज कंटिन्यूट इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाला बर्नॉल इक्वेशन एप्लीकेशन ऑफ बर्नॉल चैप्टर आपका इंशाला नेक्स्ट लेक्चर में बीस से पच्चीस मिनट में इनशाला खत्म हो जाएगा और हम सेवन चैप्टर को भी शुरू करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच